दोस्तों सात विकेट लेकर मोहम्मद शमी मैन ऑफ द मैच तो बन गए। वो सिर्फ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतना नहीं जानते, दिल जीतना भी जानते हैं। अपने मैन ऑफ द मैच अवार्ड को उन्होंने विराट कोहली के नाम कर दिया। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, मोहम्मद शमी ने जीत के बाद ये बोला, जब भी जर्सी पहनकर मैदान में उतरता हूँ, देश के लिए वर्ल्ड कप खेलता हूँ या सीरीज, अपने अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता हूँ और इसका यही नतीजा कि आज मुझे कामयाबी मिली है। मैंने 60 विकेट चटकाए हैं और इंडिया को सेमीफाइनल मैच में जीत दिलाई है और ये जीत के जो असल हकदार है वो मैं नहीं, विराट कोहली है। आज के मैच का हीरो विराट कोहली है। उनकी अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ने एक बड़ा स्कोर किया और बॉलर को एक बड़ा स्कोर मिल गया डिफेंड करने के लिए और उस बड़े स्कोर की वजह से ही मुझे 7 विकेट मिले हैं और इसलिए ये मैन ऑफ द मैच असल हकदार विराट कोहली है। और इसके अलावा उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है और इस वक्त दुनिया के सबसे ग्रेट प्लेयर है। दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली बाकी दुनिया के ग्रेट प्लेयर है या मोहम्मद शमी ने विराट कोहली के झाप बोले वो ठीक है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।